नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे चैनल सुपर एंटरटेनमेंट में आपका। और आज ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है हमारे यूट्यूब व्यूवर्स के लिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा हार्दिक अभिनंदन कि इतने दिनों से, इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हो आप। बीच में कुछ महीने मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसमें से सबसे मेन कारण ये था कि मेरा घर टूट गया तूफान में और जो मेरा डेटा था मेरे लैपटॉप के अंदर और मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा सैमसंग गैलेक्सी S8 उसके अंदर, वो दोनों टूट गए तूफान में और दोनों पानी में डूबे रहे एक या दो दिन, पता भी नहीं चला कि कहाँ पर है, मलबे में दब गए थे वो। तो वो हार्ड डिस्क थी वो ख़राब हो गई, उसमें 20 से 25 मिनट ट्रैक्टरों के रिव्यू के वीडियो थे मेरे, तो इस वजह से मैं इन दिनों में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा अपने व्यूवर्स के लिए वो होंगे फेस कैम वीडियो। और जानकारी सिर्फ ट्रैक्टरों की नहीं, खेती की जानकारी जितनी मुझे पता है, जो मैं लोगों से पूछ के बता सकता हूँ, किसानों के इंटरव्यू लूँगा, छोटे किसानों के, बड़े किसानों के, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, और छोटे ट्रैक्टरों के, बड़े ट्रैक्टरों के, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ दोस्तों, और उन सब के मैं रिव्यू लूँगा, उन सब से बात साझा करूँगा और आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। कि और ये भी पहुँचाऊँगा कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ये मध्य प्रदेश है और मंडला ज़िले में रहता हूँ, यहाँ पर काली मिट्टी होती है, यहाँ पर धान की फसल के अलावा क्या क्या फसलें हो सकती हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्म है जो बड़े बड़े, वहाँ पर जाकर भी मैं वीडियो को बनाऊँगा आप लोगों के लिए। लेकिन ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और आज फाइनली मैंने इसको शूट किया अपने व्यूअर्स के लिए। अब मैं डेली एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ट्रैक्टरों से जुड़ा नहीं तो शायद खेती से जुड़ा या किसी चीज़ से जुड़ा व्लॉग समझ लीजिए आप ये। अब मैं इसी में डेली एक व्लॉग भी अपलोड करूँगा आपके लिए और ट्रैक्टरों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मैंने एक ब्लॉग बनाया है मेरा, उस पर मैंने अभी 3 या 4 पोस्ट डाली हैं और वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सुपर ट्रैक्टर्स blogspot.in पे ये ब्लॉग है मेरा। आप इस पर ट्रैक्टरों की जैसे रेट हो गया और छोटी मोटी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं अच्छे से। ये जो जानकारी मैं ट्रैक्टरों की यहाँ अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ वही जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो दोस्तों ये जानकारी इस बात की है कि ये धान लगी थी मेरी, ये देख सकते हो आप, ये जो इधर दिख रही है पीली पीली और ये इधर दिख रही है जो हरी वाली, ये जो पीली है ये 25 दिन पहले लगी थी और ये जो हरी है ये लगी थी 25 दिन बाद या 20 या 25 दिन ऐसा कुछ टाइमिंग था। अब मुझे क्या करना है, इनको एक दिन कटवाना है, एक दिन पे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पहले लगी तो पहले कटाई पे आएगी, तो मैंने क्या किया इसके लिए, खेतों में पानी भर दिया, खेतों में पानी भर दिया और अभी मैं ये खेतों में पानी भर दिया और आप देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसके लिए क्या किया। ये वाली जो धान है दोस्तों लेफ्ट में आप देख रहे हो और ये जो राइट में देख रहे हो, ये लेफ्ट में लगी थी 12 जुलाई को और ये जो राइट में है ये लगी थी 2 अगस्त को, तो इसमें समथिंग 20 या 22 दिन का फ़र्क है। लेकिन मुझे ये एक ही दिन कटवानी है, तो मैंने इसके लिए क्या किया, ये जो पहले लगी है धान इसकी बालियाँ भी आ गई और इसमें बालियाँ नहीं आई अभी, तो मैंने इसमें पानी भर दिया। पानी भरने की वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा 10 या 12 दिन का फर्क पड़ जाता है कटाई में, अगर अपन खेत में पानी रहेगा तो थोड़ा सा फसल लेट आती है, अच्छे से पक के आती है। और इसका पानी मैंने कम कर दिया क्योंकि एक ही दिन मुझे हार्वेस्टर से कटवाना है, मैं सोच रहा हूँ कि हार्वेस्टर से कटवा लूँ तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, लेबर महंगे पड़ते हैं और हार्वेस्टर में एक ही दिन में कटाई हो जाती है और एक दिन में गानी भी हो जाती है, आपको धान निकल के भी मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक यूज़ की, मैंने इसमें पानी भर दिया तो काफ़ी ठहरी हुई धान है अभी तक ये, और मुझे लग रहा है कि एक पानी और दे दूंगा अगर इसमें, और इसमें कम पानी दूंगा राइट वाली में, तो ये दोनों मैच कर जाएंगी और मुझे लगता है समथिंग ये 10-15 दिनों में दोनों साथ में ही आ जाएंगी। हाँ ये थोड़ी ज़्यादा सूख जाएगी लेकिन झड़ेगी नहीं और इनमें कुछ बीमारियाँ भी लगती है यहाँ पर, तो उसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो था और ये पीछे देख सकते हो यहाँ पर मैं रहता हूँ, वो मेरा घर है और ये खेत है मेरे और ये धान की फसल यहाँ पर लगी हुई है और ये पीछे मेरे सागौन का पेड़ है। तो इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जानकारियाँ मैं डेली एक मिनट या 2 मिनट का वीडियो बनाकर आपको ज़रूर देता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह से मेरा यूट्यूब फैमिली मुझे प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए भी नई जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।